बहुत सिंपल से कि ग्रेटर नोएडा पार्टी की तरफ से हमने त्यागी जी आए हैं और हमारे पुलिस प्रशासन की तरफ से हमारे सीओ साहब आए थे, सिर्फ इन दो के लिए रख रहा हूँ, इसको अन्यथा मत लीजिएगा त्यागी जी, क्योंकि मेरा इंट्रैक्शन बहुत होता है और हम साल में दो मीटिंग यहाँ के बड़े गणमान्य किसान लोगों के साथ करते हैं और वैसे डेली बेसिस पे यहाँ के ग्रेटर नोएडा के लोगों से बहुत इंट्रैक्शन रहता है। पिछले छः महीने में जब से ये सरकार आई है, विधायक जी अन्यथा मत लीजिए, मैं फीडबैक देना हूँ, आम धारणा एक ऐसी पैदा हुई है कि भाई छह महीने से अथॉरिटी में कोई काम नहीं हो रहा। मेरा सब एक शब्द है कि इसका काम अभी आपने बहुत सारे बताए चल रहे हैं, लेकिन एक धारणा है इसका इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, बच्चे ऐसे क्यों है ऐसे लोगों की ग्रेटर नोएडा की धारणा, नंबर एक। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर पे आता हूँ मैं। लॉ एंड ऑर्डर पे आपने देखा कि अभी हाल में हमारे ही क्षेत्र में इंकोटेक्स 3 में अभी इनकाउंटर हुआ। इनकाउंटर वैसे मैं पहले तो है बंद टाइप के थे, लेकिन इस सरकार में आते ही करीबन 18 इनकाउंटर हो गए और हमारे यहाँ में भी है जिसमें दो बदमाश अच्छे बड़े बदमाश मारे गए, लेकिन अफसोस की बात है उससे दहशत पैदा हो जाता है बदमाशों में, लेकिन ठीक दो दिन बाद सेम जगह पे इकोटेक 3 में बदमाशों ने 3 जनों पर बुरी तरह फायरिंग की, लूटा भी उनको और 2 जने मर जाते हैं। इसका सर मैं अनुरोध करूंगा आपसे, इसका भी इंट्रोस्पेक्शन पुलिस को करना चाहिए, ऐसी क्या वजह है कि इनकाउंटर के बावजूद भी हमारे लॉ एंड ऑर्डर यहाँ की ग्रेटर नोएडा की नहीं सुधर रही है, इससे इंडस्ट्री में खासतौर पर बड़ी दहशत के भावना।